अलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? यार, जैसे मैंने कहा था कि मैंने अपना ये एयरपोड्स लिए हैं, ये मास्टर कॉपी है, शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था, तो इसका मैं करूँगा रिव्यू। तो ओपन पहले से हुए होंगे, चेक करा के ये थे, तो आज जो हम इसका रिव्यू करते हैं। तो बॉक्स जैसे मैंने आपको कहा था पहले से ओपन है, इसको हम निकाल लेते हैं। आज ही मैं लेके आया हूँ इसको, तो मैंने कहा इसका रिव्यू भी कर लेते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इसके साथ हमें एक ये मिल रही है गाइड, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, बट ये सब प्रिंट है, ओरिजिनल नहीं है। इसके अंदर एक दो तीन चार ये मैनुअल गाइड्स हैं जो इसको यूज़ करने के लिए बताते हैं। इनको यहाँ पर रखो, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं, और टेढ़ा ही हो गया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जैसे कि ये डिब्बा का देखा जाए, इसको हम साइड पर करते हैं। डिब्बे पे लिखा क्या हुआ है, टोटल मतलब कि जैसे ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल की ब्रांडिंग हुई है। आई थिंक इसका IMEI नंबर, ये जो कोड है, IMEI नंबर कह रहे हैं जो कोड होते हैं, बार कोड, ये भी आई थिंक फेक है, पता नहीं क्या, इसका मुझे नहीं पड़ता। और ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है ऐसे करके, एनर्जी वेरीफाइड ओनली, और AS रजिस्टर्ड लिखे हुए ऊपर, ठीक है। दो ऊपर एयरपोर्ट्स प्रो लिखा है, साइड पे एप्पल का लोगो है, ऊपर इसका ये लिखा हुआ है ANC नॉइज़, जो इसकी एक्टिव नॉइज़ का वो जो है, क्या नाम लेते हैं, एक्टिव नॉइज़ का पता नहीं क्या, भूल गया, अभी आपको बताता हूँ। तो उसके ऑप्शन के लिए, ठीक है, और ये यहाँ पे भी लोगो है, इसको निकाल देते हैं, वो सभी बाहर आ गया। तो यार ये है हमारी डिवाइस, जैसे कि पहले बताया था कि ये ओपन है, ठीक, इसके पीछे एक बटन दिया गया है, और सेम टू सेम जैसे एप्पल के लोगो लगा ब्रांडिंग हुई होती है, वैसे इधर ब्रांडिंग है। आई थिंक आपको सही नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो बीच में इसके एक ये है YTP, अब जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड करें वो भी आईफोन में, ये है कि कनेक्ट ना हो जाए कहीं, ये देखें। इसकी बैटरी टाइमिंग वगैरह का वो तो मैं, जब आप कहोगे कि फुल रिव्यू चाहिए कि यूज़ करके बताएं इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी बैटरी टाइमिंग कैसी है, तो इंशाल्लाह उसका भी बताऊंगा। उनका ये है कि काफ़ी अच्छी, और वेट भी है हल्का सा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसमें, ठीक है। एंड अब अगर बॉक्स में देखा जाए तो एक ये गत्ता, साथ में केबल है, ये जैसे कि आई थिंक लोकल केबल्स होती हैं उसी तरह इन्होंने केबल दी हुई है। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं क्या सीन है केबल का। अच्छा, टाइप सी टू अपना, यार खुल जा, वाओ, मेरे पास फोन XX है और इसका ये टाइप सी टू, ये माइक्रो USB आई थी, नहीं माइक्रो USB नहीं, इसको क्या कहते हैं, आईफोन की पोर्ट नाम भूल गया, पहले याद था। तो ये इसको भी रख देते हैं हम साइड पर। एंड इस ये मिल रहा है हमें क्या है, ओह अच्छा, मतलब कि अगर आपकी फिटिंग साइज का करना हो तो फिटिंग के लिए भी, और क्या नाम लेते हैं, किधर गया ये और अगर आपके ख़राब हो जाएं इसके तो आप चेंज भी कर सकते हो, और इजी है। मैं करके दिखाता हूँ, बल्कि क्या खाली है, टोटल आर खाली है। इसको ओपन करते हैं, हाँ ये इस तरह उतर जाता है, ठीक है, एंड देन ये, और ये आप चेंज कर सकते हो आराम से,
इसको प्लग भी टक करके कर दो। जस्ट ये लग गया। ओके इंशाल्लाह इसका अगर ये वीडियो पर कोई कहेगा तो मैं बना लूँगा इसका रिव्यू प्रॉपर यूज़ करके। एंड क्योंकि ये मेरे नहीं है, ये मैं तो किसी ने मुझे स्पॉन्सर किया ना ही कुछ, क्योंकि अभी इतने हमारे यूट्यूब पर फॉलोअर्स नहीं है या हमारी ये वीडियोस इतनी हिट नहीं है कि हमें कोई फॉलो करे स्पॉन्सर करे। बका ये चीज़ें ही हैं तो बस ये। बका मैंने इसको यूज़ किया था, इसकी ये काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है, काफ़ी अच्छा ये वर्क करती है। इसकी नॉइज एंटी नॉइज करेक्शन पता नहीं क्या जो भी। तो ओके अब चलते हैं, बस काफ़ी है। ये वीडियो होगी मेरी रिकॉर्ड, मैं इंशाल्लाह इसको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। चलें ओके अल्लाह हाफिज़। आगे अगर इस वीडियो पर अच्छे मुझे रिस्पॉन्स मिला तो इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए चीज़ें लेके आऊंगा और उनके रिव्यू करूंगा। बस सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें, अभी शेयर करें, आगे से आगे शेयर करें। ओ तो इसको रख लेते हैं और इसको ऐसे बात करता हूँ। ओ ये तो डालने भूल गए। चलें सही है, मैं कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।